दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि क्या करती है, विनाश करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं अस्ति मगध देशे फुल्लोर तपल नाम सराहा, यानी कि यहां पर मगध देश में फुल्लोर नाम का क्या है, तालाब है। सर यानी क्या होता है दोस्तों, तालाब, तालाब यानी कि वहां पर क्या है मगध देश में फुल्लोर तपल नाम का क्या है, तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः, वहां पर संकट और विकटो नाम के दो हंस रहते थे। ठीक है ना, संकट और विकटे नाम के दो हंस रहते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कुंभी कंबो ग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्मा, तो और कंबुग्रीव नामक एक उनका एक मित्र, कंबुग्रीव नामक जो एक मित्र था उनका, वो कौन था, पूर्व मतलब कछुआ, कछुआ। अपि तत्रेव प्रतिवशति स्म, यानी कि एक हंस, जो दोनों हंस हैं उनका एक कछुआ मित्र था, वो भी उसी तालाब में रहता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं अथ एकता धीवरा तत्र आगच्छन, यानी कि एक दिन वहां पर धीवर यानी मछुआरी मछली पकड़ने वाला जो है वो मछुआरा क्या क्या किया, आ गया उस तालाब पर। ते अकथन, उसने कहा वयम स्वह मत्स्य कूर्मादीनम मारिष्यावः, यानी कि उसने ये कहा, मत्स्य कूर्मादीनम का मतलब क्या होता है, मछली और कछुआ, कछुआ मछली और कछुआ। ठीक है ना दोस्तों, कछुआ, तो उसने क्या किया, और मारे श्यामः यानी कि मैं मछली और कछुआओं को क्या करूंगा, मारूंगा। ठीक है, एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवद, यह सुन करके कछुए ने बोला मित्रों के युवाभ्याम देवराणा वार्ताम श्रुत्वा, यानी कि कछुआ उन हंसों से कह रहा है कि मित्रों क्या तुमने इस धीवर की, इस मछुआरे की वार्ता को सुन रहे हो, अधुना किम अहम करूंगी, तो वो क्या करे, अब हमें क्या करना चाहिए। हंसों अवद, हंसों अवदताम यानी कि हंस हंस दोनों हंस बोलते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी कि प्रातः उठ करके और हमें उचित कर्तव्य यानी कि कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, प्रातः उठ करके हमें उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए कूर्मा अवोदक, कछुआ बोला मेवम तद यथा अहम अन्य हृदय गच्छामि तथा कुरुतम, यानी कि कछुआ कहता है कि मैं अपने जो इस जो तालाब है इसमें क्या बोलते हैं अन्य हृदय, यानी कि यहीं पर क्या करता हूँ, अन्य हृदय में चला जाता हूँ, तथा कुरुतम यानी कि कुरुतम यानी चला जाता हूँ। हंसो अवदताम आवाम के करावह, हम दोनों हंस कहते हैं कि अब हम क्या करें। कुर्मा कुर्मा अवदत, कछुआ बोलता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, यानी कि हम सब आकाश मार्ग से कहीं अन्य स्थान पर चलते हैं या चले जाते हैं, ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए
देखो हंस, हंस क्या कहते हैं, हंसो अवदत अत्र कहा उपाय, तो हंस क्या कह रहा है, ये क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ क्या कहता है, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयत, यानी कि एक लकड़ी की डंडी को अपनी तुम दोनों जो हो वो अपनी चोंच में धारण करो, ठीक है ना दोस्तों, एक लकड़ी को तुम दोनों अपनी चोंच में धारण करो। काष्ठ दंडम का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना दोस्तों, लकड़ी इसका मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का डंडा, ठीक है ना। तो वो कछुआ उनको दोनों को लकड़ी को अपनी चोंच में धारण करने के लिए कहता है। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवतो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, यानी कि मैं उस जो लकड़ी की जो डंडी है उसके बीच में क्या करूंगा, पक्ष वाले ना, यानी कि उसमें मैं लटक उसको पकड़ लूंगा और लटक जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में, और फिर उसके बाद में वो कह रहा है कि उसको पकड़ करके और हम आकाश मार्ग से चले जाएंगे, ऐसा कछुआ जो है वो दोनों हंसों से कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप हंसो अकथ यताम, यानी कि हंस कहते हैं संभवाति एषः उपायः, यानी कि सब ऐसा जो आपने जो यह उपाय बताया है वो संभव है, संभव होती यानी कि संभव उपाय आपने बताया है, किंतु अत्र एकम अपायो अपि वर्तते, किंतु एक और उपाय है, ठीक है ना। आवाम्यं नियमानं तुम बलोक्यं जना किंचित वदिष्यन्ति एव तुम तरम दास्यामि तदा तब मरणम निश्चितम, यानी कि जब हम तुमको लेके जाए तो लोग कुछ भी कहें तुम्हें वो लकड़ी के डंडे को छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, अगर तुम बोल गए तो क्या होगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो हंस उस कछुओं को कह रहे हैं कि हे मित्र तुम्हें मतलब उस हम हमारे साथ जाओगे तो लोग देखेंगे, सभी जन देखेंगे, तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, और अगर तुम बोल गए तो लकड़ी के डंडे से तुम छूट जाओगे और उससे तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। उसके बाद में देखिए अतः त्वयं अत्रैव वसः, यानी कि तुम वहीं पर बस जाओगे। ततः श्रुत्वा क्रोध कुर्म अभवत, ऐसा सुन करके कछुआ क्रोध में हो गया, ऐसा सुन के जब हंसों ने ऐसा कहा तो ऐसा सुन करके कछुआ क्रोध में हो गया। किम अहम् मूर्ख, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दास्यामि, तब हंसों ने क्या किया, उत्तर उसको नहीं दिया। किंचित अपि न वदिष्यामि, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अतः अहम यथा बदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा हम कहें वैसा ही तुम्हें करना है। कछुओं को हंस बोलते हैं कि जैसा हम कहें वैसा ही मित्र तुझे करना है, ठीक है ना दोस्तों। आगे अपन देखते हैं, एव काष्ठदंडे लंबमानं पूर्वं पौणा अपश्यन्, यानी कि काष्ठ दंड को लेकर के और उस लंबे से डंडे को लेकर के और वो जो है ना सभी जो लोग हैं वो उस कछुए को देखते हैं कि दोनों हंस जो है वो अपनी चोंचों में उस लकड़ी के डंडे को पकड़ करके और कछुए को बीच में लटका करके और ले जा रहे हैं, तो सभी लोग उनको पौरा यानी पूरा जो लोग विश्व है वो उनको देखता है। पश्चात आधावन अवनत, तो उसके बाद में उन सभी को देखते हैं। हंसो महा आश्चर्यम,
यानी कि वो सभी क्या करते हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, के हंस के साथ सभी लोग वहां देख रहे हैं और ये आश्चर्य कर रहे हैं कि हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कश्मीच बदते है ना, और फिर उसके बाद में कुछ बोलते हैं, अयम कूर्म कथयमपि निपतति यदा अत्रैव पत्वा खादिष्यामि। ठीक है ना, उसके बाद में कछुआ जो है वो कथमपि यानी कि कुछ थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है, अत्रैव पत्वा खादिष्यामि, और वो कुछ कहता है अपरम अपदत, और वो क्या करता है अपरम यानी ऊपर से कुछ बोलता है, सर स्त्रीरे दत्वा खादिष्यामि, तो वो कछुआ कहता है कि मैं सर यानी नदी के तीर में दत्वा यानी कि वो जो राख जो होती है ना उसको मैं खाता हूँ, अहम नित्वा भक्ष्यामि, और मैं उसको क्या करता हूँ नित्य प्रतिदिन भक्षण करता हूँ। तेषां तद वचनम् श्रुत्वा कूर्मं क्रुद्ध जाता है, तो ऐसे वचन सुन करके वो जो कछुआ था वो बहुत क्या हो गया क्रोध में आ गया। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए नेत्राभ्याम दत्त वचनम विस्मत्यम स अवदत, और वो दोनों हंसों ने जो कहा था उसको वो क्या हो गया विस्मित हो गया भूल गया, और वो क्या करता है बोले युवम भस्मम खादत, वो कहता है कि मैं भस्म खाता हूँ, तक्षण मेव कूर्म दंडात भूमि पतितः, और ऐसा कह करके वो डंडे से नीचे गिर भूमि पर गिर जाता है, क्योंकि हंसों ने उनको क्या कहा था मना किया था कि तुम्हें कोई भी कुछ बोले लेकिन बोलना नहीं है। ठीक है, लेकिन कछुए को क्या हुआ वचन यानी कि उसके जो मित्र ने जो वचन कहे थे उनका क्या हो गया विस्मरण हो गया। ठीक है ना दोस्तों, उनका क्या हो गया विस्मरण हो गया, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है वो बोल जाता है कि मैं राख का भक्षण करता हूँ, और ऐसा जब कहा तो वो नीचे आकर के जमीन पर गिर गया। पौरे समारितः अतः इत्युक्तम, यानी कि और सभी जो लोग हैं वो उसको मार देते हैं, वो ऊपर से गिरते ही क्या होता है मर जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये पाठ है इसमें स्वेदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदनी नंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्टाद भ्रष्टो विनेश बिना सहति, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि सदा हित की कामना करना चाहिए, सभी को हित करना चाहिए, और हमेशा जो जिसका जो अगर सही बात कहे जो हमारे हित में हो उसे हमेशा मानना चाहिए, और इसके बाद में सकूर्म, और इस कूर्म ने जो कछुआ था उसने सही जो लोग थे उनको वाक्यों को नहीं माना, और उसके जो मित्र थे उसको नहीं माना, और उसने मतलब दुर्बुद्धि यानी कि उसकी दुष्ट जो बुद्धि थी उसने मूर्ख जो बुद्धि थी उसको काष्टाद भ्रष्ट हो गए, वो क्या हुई भ्रष्ट हो गई, और उसका क्या हो गया फिर विनाश हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस हमारा जो पाठ है इसमें बुद्धि के विनाश के बारे में बताया गया है कि हमें अच्छे जनों से अच्छे जो लोग हैं जो हमारा हित चाहने वाले हैं उनको हमेशा उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए, और दुष्ट लोगों की बातों से हमें दूर रहना चाहिए, और हमारा अगर हम हित में काम करेंगे तो हमें हमेशा ही मतलब अच्छा होगा, और हमें अगर दुष्ट बुद्धि या मूर्ख बुद्धि वाले लोगों से हम मिलकर के वार्तालाप करेंगे उनकी बातों को मानेंगे तो हमारा हमेशा क्या होगा विनाश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।